गुड मॉर्निंग पिप्पी टू क्लास। हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप सब? आज बेटा आपकी ईवीएस की क्लास में हम कराएंगे वर्क पीपल डू। क्या कराएंगे बेटा? आपके चैप्टर का नेम है वर्क पीपल डू। पिप्पी टू क्लास बेटा, आप सभी आपकी जर्नल अवेयरनेस की बुक निकालेंगे, उसमें पेज नंबर है आपका 34, उसको ओपन करेंगे। क्या? पेज नंबर 34 को ओपन करेंगे तो उसपे है वर्क पीपल डू। ओके, तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन देखिए। देयर आर डिफरेंट पीपल अराउंड अस। देयर आर डिफरेंट पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। हु डू डिफरेंट जॉब, वो अलग अलग काम करते हैं, जॉब करते हैं। एंड हेल्प अस इन मैनी वे, और वो हमारी हेल्प करते हैं बहुत तरह से, ठीक है। हमारे पास आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं बेटा, ठीक है, और उनका सबका वर्क भी अलग अलग होता है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वर्क पीपल डू, वो क्या कहता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनका अलग अलग काम है, वो हम बताएंगे आज अपने चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट है बेटा टेलर। क्या है? देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये है टेलर। टेलर का वर्क क्या होता है बेटा? जो हमारे क्लोथ को स्टिच करता है, हमारे कपड़े को स्टिच करता है, हमें न्यू डिजाइन के कपड़े सी के देता है, वो होता है बेटा टेलर। कौन होता है टेलर? टेलर जो हमें सुंदर सुंदर तरह की ड्रेसेस सील के स्टिच करके हमें देता है पहनने के लिए, वो होता है बेटा टेलर, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क मैन। नेक्स्ट कौन है? मिल्क मैन, ये देखिए ध्यान से। सेकंड कौन है बेटा? मिल्क मैन। तो मिल्क मैन का क्या वर्क है? जो हमें हमारे घर तक दूध देने आता है, मिल्क देने आता है, वो होता है बेटा मिल्क मैन। मिल्क से आप क्या करते हैं? मिल्क आप चाय में डाल के भी पीते हैं, बोर्नविटा डाल के भी पीते हैं बेटा, तो वो मिल्क कहाँ से आता है? वो मिल्क हमें मिल्क मैन देके जाता है हमारे घर में। मिल्क मैन क्या करता है? अपने वहां से दूर से मिल्क लेके हमारे घर पे मिल्क देने के लिए आता है, वो होता है बेटा मिल्क मैन। ओके, नेक्स्ट है कॉबलर। नेक्स्ट है कॉबलर। कॉबलर कौन होता है बेटा? जो हमारे शू को पॉलिश करता है, हमारे शू जहाँ से फट जाते हैं, कट जाते हैं, उनकी स्टिचिंग करता है, वो होता है बेटा कॉबलर। तो कॉबलर का वर्क क्या है? हमारे शू, हमारी चप्पल, उनको ब्रश करना, उनकी स्टिचिंग करना, उनको पॉलिश करना, ये होता है बेटा कॉबलर का। ओके, नेक्स्ट है बेटा कारपेंटर। आप कहोगे कारपेंटर का क्या काम है? कारपेंटर बेटा हमारे घर के विंडो डोर बनाता है, हमारी टेबल चेयर जो ये होती है, हमारे डेस्क ये बनाता है, हमारे घर में सोफा होता है, बेड होता है, तो कारपेंटर ये बनाता है, ठीक है। उसका काम क्या है? हमारे बेड, सोफा, हमारी डोर, हमारे विंडो के लिए दरवाजे बनाना, जो हमारी डोर विंडो के दरवाजे होते हैं वो ये बनाते हैं हमारे कारपेंटर। कौन बनाते हैं? हमारे कारपेंटर। जो हमारे डेस्क होते हैं, हमारी बेंचेस होती हैं, हमारी टेबल होती हैं, हमारे सोफाज होते हैं, वो हमारे कारपेंटर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर मीन्स सब्जी वाला, ठीक है।
आसपास, वो होते हैं बेटा ग्रीन ग्रोसर। ओके नेक्स्ट है बेटा पोस्टमैन। आपको भी ये कौन होता है क्योंकि आपने तो कभी पोस्टमैन देखा ही नहीं। पहले बेटा यहाँ से दूसरे शहर में हमारे जब रिलेटिव रहते हैं उनको हम लेटर लिखते हैं, अब तो हम फोन करते हैं, बट पहले जब हमारे पास फोन नहीं थे, कुछ भी साधन नहीं होता था बात करने का, जब हमारे दीदी भैया मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं, हमारे ताऊ जी चाचा जी अंकल जी मामा जी, तो उनको बेटा मैसेज पहुंचाने के लिए हम क्या करते थे, हम लेटर लिखते थे। ठीक है, वो लेटर पोस्टमैन हमारे घर पे देने आता था तो उसको बोलते हैं बेटा पोस्टमैन, जो एक तरफ से लेटर और मेल लेके आपके घर तक आपका आपको संदेशा देने के लिए आता है वो होता है पोस्टमैन। अब तो ये काम इजीली हो जाता है, अब तो ये काम फोन से हो जाता है, बट पहले फोन नहीं होते थे बेटा। ठीक है, उस टाइम पे सभी लेटर लिखते थे और जो घर का एड्रेस नंबर होता है उस पर पोस्ट करते थे, तब आपके घर पे संदेशा आता था। ठीक है, तो वो काम कौन करता था, आपका पोस्टमैन। ओके नेक्स्ट है बेटा सिक्योरिटी गार्ड। ये तो आपने हर जगह देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड, आपकी जो क्या होता है घर होता है, घर के बाहर भी होते हैं, आपके बैंक होते हैं बैंक के बाहर भी आपको मिलेंगे, आपके स्कूल में भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो क्यों होते हैं बेटा, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में ना जा सके। ठीक है, कोई चोर आपके घर में ना घुस सके, इसलिए कौन बैठता है सिक्योरिटी गार्ड हमारे गेट पे। नेक्स्ट है बेटा वेटर। वेटर तो आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी बाहर किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं, कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, तो आपको जो सर्व करते हैं है, क्या वाटर सर्व करते हैं, आपको लंच सर्व करते हैं, डिनर सर्व करते हैं, वो होते हैं बेटा वेटर। कौन होते हैं वेटर, तो इनकी सहायता के बिना हमारा वर्क नहीं हो सकता। आप जब तक टेलर नहीं होगा हमारे कपड़े कौन स्टिच करेगा, टेलर ही तो स्टिच करता है ना, तो ये सभी हमारे हेल्पर्स हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है और ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो आपका ये क्या है, वर्क पीपल डू, वर्क पीपल डू, जो हमारी सहायता करते हैं आज हम उनके बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, इनकी सहायता के बगैर बेटा हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, अभी नेक्स्ट और कौन कौन है हमारे हेल्पर्स देखिए, आपके पेज नंबर बेटा 35 पे भी आपके हेल्पर्स ही हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट बेटा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्या है, फार्मर। कौन है फार्मर, अगर बेटा फार्मर नहीं होंगे तो आपको खेतों में जो अनाज उगता है जैसे कनक उगता है, गेहूं और आपका जो है राइस में चावल, वो आपको नहीं मिलेगा। फार्मर है जो हमें सब्जियां उगा के देता है, फ्रूट उगा के देता है और हमें राइस सीड्स, वो सभी हमें फार्मर देता है। अगर फार्मर नहीं होंगे तो हमें खाने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी, सबसे बड़ी हेल्प हमारी करता है फार्मर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ड्राइवर। नेक्स्ट कौन है, ड्राइवर। ड्राइवर का वर्क क्या है बेटा, ड्राइवर नहीं होंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल में बैठ के नहीं जा सकते, बस में बैठ के नहीं जा सकते, क्योंकि ड्राइवर ही तो ड्राइव करेगा ना, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो वो वर्क जैसे स्कूल में आप आते हैं तो ड्राइवर भैया ड्राइव करके ले जाते हैं टाइम पे आपके घर के सामने, हॉर्न दबाते हैं तभी तो आप बैठते हैं ना वैन में, आप स्कूल टाइम पे पहुंचते हैं, तो वो वर्क किसका है, ड्राइवर का, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो करते हैं बस चला के, वो करते हैं बेटा ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट है मेड। क्या है नेक्स्ट,
मेड आपके घर में जो काम करने के लिए आती हैं, आपकी हेल्पर आपके घर में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, आपके बर्तन जो है वो क्लीन करती हैं, जो आंटियां आती हैं जिनको आप मेड बोलते हैं बेटा वो है मेड, ठीक है। ये हमारे कितनी हेल्प करती हैं, हमारे घर को क्लीन करके जाती हैं, हमारे लिए खाना भी बना के जाती हैं, हमारे स्कूल में होती हैं, हमें स्कूल में अंदर भी लेके आती हैं, बाहर भी लेके जाती हैं, लेके जाती है ना आपको। नेक्स्ट आपको गाड़ी में बिठाएंगी, आपका घर आ जाएगा जब आपको कैब से नीचे उतारती हैं, ठीक है। तो हमारी मेड हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है बेटा प्लम्बर। कहोगे प्लम्बर कौन होता है, प्लम्बर का वर्क क्या है? बेटा जो आपकी पाइप लाइनें होती है, जो आपके बाथरूम में किचन में पानी आता है टैब से, वो वर्क आपके घर में जो टैब लगाते हैं वो प्लम्बर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आपके जो बाथरूम की नल लगाते हैं, आपके किचन की नल लगाते हैं, वो सभी वर्क होता है जो पाइपलाइन का पानी का ऊपर आपकी छत पे टंकी रखते हैं, वो बेटा प्लम्बर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटर। अब आप कहोगे पेंटर का क्या काम है? आपके घर को व्हाइट वॉश करते हैं, आपके घर में सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, वो कौन करता है? वो पेंटर करता है, ठीक है। आपके घर में सुंदर सुंदर डिजाइन बना के जाते हैं, है ना, डोरेमोन बनाते हैं, लोबिता सुजुका ढेर सारे फ्लावर बना के जाते हैं, फिश बना के जाते हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग करते हैं, वो पेंटर करते हैं, ठीक है। आपके घर को जो बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं ना, वो पेंटर ही होते हैं। नेक्स्ट है शेफ। नेक्स्ट है शेफ। शेफ का क्या काम है बेटा? शेफ जो होते हैं, आप बाहर कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं बेटा, तो होटल में खाना कौन बनाता है? होटल में तो मम्मी नहीं होती ना, होटल में तो शेफ खाना बनाते हैं, ठीक है। आपके बड़े बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट में जो भी खाना आपको मिलता है वो शेफ बनाते हैं। आपकी मम्मा हर जगह नहीं होती, आपकी मम्मा तो सिर्फ घर में कुकिंग करती हैं, घर की शेफ है, बट जब आप बाहर जाते हैं होटल में या रेस्टोरेंट में तो वहाँ आपको शेफ के आपका खाना मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बार्बर। अब बार्बर कौन होता है? जो आपके लंबे लंबे बालों की कटिंग करता है, जो आपके पापा की शेविंग बनाता है, जो आपके हेयर कट करता है ना, वो होता है बार्बर, ठीक है। कौन होता है? बार्बर। तो बेटा ये कौन है? ये हमारे हेल्पर्स हैं, जिनकी सहायता हमें होती है, जिनकी हमें हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, है ना। हमें टेलर व्हील मैन, कॉबलर, कारपेंटर, क्लीन ग्रोसरी, पोस्टमैन, सिक्योरिटी गार्ड, वेटर, फार्मर, ड्राइवर, मेड, प्लम्बर, पेंटर, शेफ एंड बार्बर, इन सब की सहायता होती है, ठीक है। ये हमारी सहायता करते हैं, तभी हमारे बहुत से काम बनते हैं बेटा, ठीक है। ये आपको पता है ना, पता है आपको कि इनकी सहायता से ही हमारे काम बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखो पेज नंबर 36 पे बेटा शोल्डर। शोल्डर का क्या काम है? जो हमारे क्या है बताओ, जो हमारे भारत देश की सीमाओं पे तैनात रहते हैं वो होते हैं बेटा शोल्डर, ठीक है। ये है वॉशमैन। वॉशमैन यानी मीन्स धोबी, जो हमारे कपड़ों को धो के प्रेस करके हमारे घर पे लेके जाता है, हमारे गंदे डर्टी कपड़ों को लेके जाता है ना क्लोथ्स को, और वॉश करके लेके आता है, वो होता है बेटा वॉशमैन, ठीक है। पायलट, जो एरोप्लेन चलाते हैं बेटा वो पायलट कहलाते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं वो पायलट कहलाते हैं। हमें एक शहर से दूसरे शहर बहुत जल्दी पहुंचाने का काम कौन करता है? एरोप्लेन करता है, हेलीकॉप्टर करता है, वो पायलट चलाते हैं, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर कौन होते हैं बेटा? जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें क्या करते हैं, बनाते हैं, जैसे आपकी मेट्रो ट्रेन है वो इंजीनियर ने बनाई है, ठीक है। आपने देखा है ना मेट्रो ट्रेन को। फिर है डॉक्टर। आप बीमार हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं सबसे पहले? डॉक्टर के पास, है
है ना, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आपको क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो आपको जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट है फायरमैन। बेटा कहीं पे भी आग जल जाती है या कोई भी शॉर्ट सर्किट होके आग लग जाती है, घर में भी, फैक्ट्रीज में भी, कहीं पे भी, तो उस आग को बुझाने के लिए कौन आता है? फायरमैन। ठीक है, फायरमैन आता है ना, तो ये जो आग बुझाने का काम करते हैं। फिर है लॉयर। लॉयर कहाँ होते हैं? लॉयर बेटा कोर्ट में होते हैं। जो आपका कोई भी केस होता है उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? वो लॉयर करता है। ठीक है, कौन करेगा? लॉयर। ये हमारे बेटा हेल्पर्स हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है अब हमारे हेल्पर्स कौन कौन है? देखो मैंने कितने आपको दिखाए आज आपके हेल्पर्स, ध्यान से देखिए PP2 क्लास, ध्यान से देखिए आपके हेल्पर्स। टेलर, मिल्कमैन, कॉबलर, कारपेंटर, ग्रीन ग्रोसरी, पोस्टमैन, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, वेटर, फार्मर, ड्राइवर, मेड, प्लम्बर, पेंटर, शेफ, बार्बर, पायलट, सोल्जर, वॉचमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, फायर फिटर, लॉयर, ये सभी बेटा हमारे हेल्पर्स हैं। इनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, सभी को तो समझ में आया ये कौन सा चैप्टर है बेटा आपका? वर्क पीपल डू, इसमें सभी का वर्क बताया गया है। ओके, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे सभी और ध्यान से इनकी पिक्चर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या काम कौन करता है। ओके, थैंक यू, बाय बेटा।